तुझमें रब दिखता है यारा, मैं क्या करूँ।
जो गाना हम गा रहे हैं कोई भी गाना। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग विशेष वेस्ट दिल्ली में खास नंगली विहार यहाँ पर आए हैं, शांति आइडल कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल में पहुँचे हैं, जहाँ पर हम लोग रवि शर्मा सर से बात कर रहे हैं जो चेयरमैन हैं। आइए, बहुत बहुत स्वागत है रवि शर्मा सर। मैं चाहूँगा कि आज जो हम लोग मल्टी टैलेंट शो का ऑडिशन राउंड आपके यहाँ किया, आप उसमें बैठे हुए थे और बच्चों को मोटिवेट भी कर रहे थे बीच बीच में, हमने देखा, तो मैं चाहूँगा कि इन चीज़ों को देख कर आपको क्या लगता है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, भाई भानु प्रसाद जी, भाई रमेश जी और दीदी हेमा जी का। ये आज आप हमारे स्कूल में आए और आके हमारे स्कूल में बच्चों का परफॉर्मेंस देखा। वैसे तो मैं भी आपके हेडक्वार्टर माउंट आबू में गया हूँ और वहाँ पे रहा भी हूँ, और वहाँ जाके जो एक अद्भुत आनंद का प्राप्ति होती है, ऐसा शायद मैंने कहीं देखा। जहाँ तक बच्चों का सवाल है, बच्चों के लिए हम भी कर रहे हैं, लेकिन आप, मैं समझता हूँ आप हमसे ज़्यादा आप कर रहे हैं, और बहुत ही खुशी हो रही है कि आप यहाँ पर आए बच्चों को। जी, एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप बच्चों के लिए? मेरा मैसेज यही है कि बच्चे अपने देश को, अपने माता पिता के नाम को कैसे आगे करें, और उसके लिए क्या क्या सबसे पहले बनना चाहिए या संस्कार कहाँ से आने चाहिए, वो उस दिशा में जो भी डिवोशन से संबंधित या इकाई है, जैसे कि ब्रह्म कुमारी है और दूसरी संस्थाएं हैं, उनका योगदान बहुत ज़्यादा है इस काम को आगे बढ़ाने के लिए। अच्छे बने, बढ़िया बने, संस्कारी बने, संस्कारी होंगे तो बच्चे सब आगे बढ़ेंगे। जी रवि शर्मा सर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू। धन्यवाद। गुड आफ्टरनून एवरीवन, माय नेम इज शिफा खान एंड आई एम फ्रॉम शांति आइडल पब्लिक स्कूल, आई एम इन 10th स्टैंडर्ड। सो आज मैं अपने देश पर आप सबको कुछ कहना चाहूँगी। मेरा देश इंडिया है, यहाँ पर हमारे देश को द डाइवर्सिटी ऑफ कंट्री भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर हर तरह के ट्रेडिशन, कल्चर्स और सारे रिलीजन्स एक साथ मिलजुट कर रहते हैं, और यहाँ पर हमें काफ़ी सारे सीजन्स भी देखने के लिए मिलते हैं, लाइक विंटर, समर, स्प्रिंग, ऑटम और भी काफ़ी सारे। और यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जिसमें दुनिया भर के अलग अलग जगह से लोग विजिट भी करने आते हैं। और यहाँ पर जैसे कि आर्यभट्ट जी जो थे, उन्होंने सबसे पहले जीरो की खोज की थी। यहाँ पर अब्दुल कलाम जी हैं, उनके साथ भी काफ़ी सारे ऐसे उनके मित्र थे या ऐसे काफ़ी सारे लोग थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम मिसाइल बनाया था। इंडिया जैसा देश है जहाँ पे सारे ही रिलीजन्स के लोग, लाइक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सारे ही लोग मिलजुल कर रहते हैं। यहाँ दीपावली भी उसी तरीके से मनाई जाती है, यहाँ पे ईद भी उसी धूमधाम से मनाई जाती है। Now I am singing a song, Dil Galti Karta Tha. So start. Ye humne soch rakha tha, mohabbat na karenge hum, kisi ko dil nahi denge, kisi pe na marenge. Tumhari mastiyan hui, ye kaisa haal kar dala, ye dil kya cheez hai maan, jaanti thi dil, palat ke ishq ki galiyon se jaana hai. गलती कर बैठा है।
नाच 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 मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच 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 मेरी रानी नाच 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 हम लोग शांति आइडल स्कूल में आए हुए हैं और जैसे कि आप सभी चेयरमैन को सुने रवि शर्मा जी को, और रवि शर्मा सर माउंट आबू आके गए हैं तो निश्चित तौर पे उन्हें वहाँ के बारे में पता है। और अभी हम लोग शांति आइडल स्कूल के प्रिंसिपल रीचा जी से बात करते हैं। रीचा जी पूरा टाइम जो है बच्चों के साथ रहीं, बच्चों के परफॉर्मेंस को भी देखा उन्होंने और सबको मोटिवेट भी कर रही थी बीच बीच में। तो मैं चाहूँगा कि अभी उनके मनोभावों को सुनेंगे हम लोग अभी। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ कि आप सब आए, हमारे स्कूल को प्रिविलेज दिया आपने कि इतना टाइम के साथ साथ इतना टैलेंट देखा आपके साथ, हमें भी पता चला कि हमारे बच्चों में कहाँ कमी है और कहाँ वो बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ना फैसिलिटी प्रोवाइड करते हुए भी मैं खुश हूँ, मेरे बच्चों ने बहुत ही अच्छा करके दिखाया है, कोई उनको हमने सच फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करी हुई। बट अब मैं ये चाहती हूँ, इन सब बच्चों को देख के मेरे मन में आया है कि कुछ ना कुछ ज़रूर अपनी तरफ से करूँगी, इनको और फैसिलिटी प्रोवाइड करूँ सो दैट हर एक मेरा बच्चा आपके शो तक ज़रूर पहुँचे। ये मेरी हार्टली रिक्वेस्ट भी है, एक विश भी है, आपके पास तक बच्चे ज़रूर पहुँचे। मैं अपने खुद के बच्चों को भी आपके पास तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। क्या बात, ऋषा जी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपकी शुभ भावना के लिए। और हमारी पूरी दी मल्टी टैलेंट शो, हमारे उभरते सितारे, इस प्रोग्राम के पूरी टीम की ओर से बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। Oh, okay.
वेरी 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 चंगा। सो गाइस, आज जैसे कि हमारे बीच आने वाले हैं करीना कपूर एंड शाहिद शेख, एंड मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तो देखते हैं क्या होता है। सो कैसे हैं आप? आई होप यू आर वेरी वेल। सो कब आपकी वो बुकिंग हुई है खुशी के तरह संभल गए? नहीं नहीं, मेरे को नहीं खाना है, आप खा लीजिए, बचा के भी ले जाइएगा। आइए हम लोग हेमा दीदी से बात करते हैं। उनके इस पूरे इलाके में जो है अलग अलग स्कूल्स हैं, तो कल हमने विशेष श्री साई श्री लाल कन्वेंट स्कूल में गए थे और आज हम लोग शांति आइडल कन्वेंट स्कूल में आए हुए हैं। तो हेमा बहन, बताइए आपको कैसा लग रहा है इस ऑडिशन राउंड को हम लोग करते हुए, आपके साथ हैं दो दिन से। पॉन्ट आओ से भानु प्रसाद भाई जी और रमेश भाई जी आए, उनका तो बहुत बहुत हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वैसे तो हम पहले से स्कूलों में सेवा करते रहे, लेकिन बच्चों का जो ऑडिशन की बात है बहुत अच्छा लगा, क्योंकि दोनों स्कूलों में शांति आइडल स्कूल है चाहे लाल कन्वेंट स्कूल है, दोनों स्कूलों में बच्चों ने बहुत अच्छा पार्टिसिपेंट भी किया है, बच्चों के अंदर की जो कलाएँ हैं वो बाहर लाने के लिए आप लोगों ने जो प्रयत्न किया बच्चों को भी बहुत अच्छा लगा, स्कूल के टीचर्स को भी अच्छा लगा, हमारे दोनों स्कूल के चेयरमैन्स को भी अच्छा लगा, हमें भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चों के साथ और नज़दीक टीचर्स और उनके पेरेंट्स के साथ भी और समीप संबंध होने के लिए ये जो प्रोग्राम है बहुत अच्छा लगा हमें, क्योंकि ऐसे मौके तो बहुत ही कम मिलते हैं, तो आज मधुबन के भाइयों के कारण ये जो कार्यक्रम हो रहा है तो हमें बहुत दिल में खुशी है। आज हम जो शांति आइडल स्कूल में जो भाई साहब के पास रवि शर्मा जी के पास आए चेयरमैन, उन्होंने हमको ये मौका दिया जो स्कूल में इतना समय 2 घंटे तक हम लोगों को बच्चों के साथ पार्टिसिपेट करने के लिए जो प्रोग्राम दिया समय दिया, उनका भी हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। और दोनों भाई जो मधुबन से आए हमको ये मौका दिया यहाँ सेवा करने का, पुनः हम भाइयों से स्कूल से मिलने के लिए, इसलिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं। ओम शांति। हेमा दीदी बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका, थैंक यू। ओम शांति। मधुबन से बीके भानु प्रसाद भाई जी और बीके रमेश भाई जी यहाँ पर आए हमारे यहाँ नगली विहार सेवा केंद्र में, और यहाँ की जो स्कूल है दो स्कूलों से उन्होंने टैलेंट बच्चों का सिलेक्शन किया और बच्चे बड़े प्रसाद से और वहाँ के टीचर्स और वहाँ की और भी जो स्टूडेंट्स और समाज के लोग इकट्ठे हुए, उससे उनको बहुत अच्छा लगा और टैलेंट बच्चों का उन्होंने सिलेक्शन किया और उन बच्चों के उन्होंने सब नाम नुम लिखकर और ये अपने मधुबन ले जाकर उनको इनवाइट किया है कि जब आपकी टाइम मिले उस समय आप आ सकते हो। उसके लिए सभी हमारे स्कूल वालों ने और हमारे स्टूडेंट ने ग्रामीण बच्चों ने बहुत बहुत धन्यवाद किया और मैं भी उनका बहुत बहुत शुक्र गुजार हूँ कि इसी प्रकार हर जगह जाते रहें और इंटरव्यू लें और टैलेंट बच्चों को जरूर उनको प्रोत्साहन दें और उनको अवसर मिले, इस प्रकार से चलता है। ओम शांति। आइए अभी बात करते हैं द मल्टी टैलेंट शो, हमारे उभरते सितारे के होस्ट और कर्ता धर्ता जिनको कह सकते हैं, पूरा प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं अभी तक 63 प्रोग्राम जो हैं हमारे उभरते सितारे का आप टीवी में देख चुके हैं PM TV पर, और उसका पूरा जो वापस देखना चाहते हैं तो मूल्य मंच इस YouTube चैनल पर भी आपको मिलेगा हर एपिसोड, और हर एक टैलेंट को अगर देखना चाहते अलग अलग, चाहे डांसिंग सिंगिंग हो, उन सारी चीज़ों को आप मूल्य मंच इस
यूट्यूब चैनल पे आप वो सारी चीज़ें देख सकते हैं, वो सारे एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे। तो आइए आज हम लोग दिल्ली वेस्ट में विशेष नंगली विहार में पहुँचे हैं। यहाँ के कुछ स्कूलों में हम लोग उन टैलेंट को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो भानु प्रसाद जी बहुत बहुत स्वागत है, आप क्या बताना चाहेंगे? नमस्कार, अभी हम पहुँचे हैं शांति आइडल कॉन्वेंट पब्लिक स्कूल दिल्ली में है, नंगली विहार के पास में ही। तो मेरा ये अनुभव बहुत अच्छा है कि वैसे तो आप सब देखते हैं पीस ऑफ माइंड चैनल में हमारे उभरते सितारे, अब तक 63 एपिसोड टेलीकास्ट हो चुके हैं और आगे भी बहुत सारे बच्चे हैं इंडिया में जो टैलेंटेड है, लेकिन एक प्लेटफार्म न होने के वजह से उनकी टैलेंट कहीं ना कहीं छिप जा रहा है। तो उसे उभारने के लिए एक खोज रमेश भाई जी जो कि आरजे हैं रेडियो मधुबन से, वो और हम दो मिलकर के पिछले दो दिन से दिल्ली के अलग अलग स्कूल में जा रहे हैं और अब कई तरह के कम्युनिकेशन हमारे कॉन्टेक्ट में, जो भी इंडिया के अलग अलग कई ब्रह्म कुमारी के सेंटर हैं या आउटसाइड के जो लोग कॉन्टेक्ट में हैं उनको हम इन्फॉर्म करते हैं, आपको भी इन्फॉर्म कर रहे हैं कि जो भी आपके आसपास जो टैलेंटेड बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे जिनके अंदर कोई भी टैलेंट हो, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, मिमिक्री, कॉमेडी, स्टोरी टैलेंट हो, या जो भी उनके अंदर जो व्यक्तित्व का विकास करने वाला जो टैलेंट है जिसको हमने कैटेगरी में रखा है कि हम वही चीज़ इन बच्चों के टैलेंट को प्लेटफॉर्म पे लाते हैं जो एजुकेशनल हो, स्पिरिचुअल हो, डिवोशनल हो, इस तरह के भी, जिससे उनका खुद का व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास हो, साथ में देश का भी विकास हो, समाज को एक सही दिशा मिले बच्चों के इस टैलेंट के माध्यम से, इस तरह के भाव को लेकर हमने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया है हमारे उभरते सितारे। तो मुझे उम्मीद है कि आपके आसपास जो भी ऐसे टैलेंटेड बच्चे हों, चाहे वो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, आपके गली मोहल्ले में आसपास जहाँ भी आपको दिखता है उन्हें हम तक पहुँचाइए और हमारी ये कोशिश है कि उनके प्रतिभा को हम आप तक जरूर पहुँचाएँ। बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका।